आई हुई खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा गिरफ्तार। बस दुर्घटना में 7 बारातियों की मौत। चमकी बुखार से 10 लोगों की मौत। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। उन पर अश्लील फिल्म बनाने और कुछ एप्स दिखाने का आरोप है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बताया कि फरवरी 2021 में क्राइम ब्रांच ने मुंबई में अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ एप्स पर दिखाने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में सोमवार को राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वह इसके मुख्य साजिशकर्ता लगते हैं। इसको लेकर हमारे पास पर्याप्त सबूत है। पुलिस ने पिछले सप्ताह 2 FIR दर्ज की और 9 लोगों को कथित तौर पर एक्टर्स को अश्लील फिल्म के लिए न्यूड सीन्स शूट करने के लिए मजबूर करने का आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दूसरी खबर, उत्तर प्रदेश में बस दुर्घटना में 7 बारातियों की मौत। सड़क पर खड़ी दूसरी बस से टक्कर लगने पर घटी। उत्तर प्रदेश में संभल जिले के बहजोई क्षेत्र में बारातियों से भरी एक बस के सड़क किनारे खड़ी दूसरी बस से जा टकराने से 7 लोगों की मौत हो गई तथा 8 अन्य व्यक्ति जख्मी हो गए। आगरा चंदौसी राजमार्ग पर बस सड़क पर खड़ी दूसरी बस से टकरा गई। कोरोना के कहर के बीच बिहार के कई इलाकों में अब चमकी बुखार ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर में श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में अब तक 10 बच्चों की मौत हो गई है। SKMCS में भर्ती 3 अन्य बच्चों में भी चमकी बुखार की पुष्टि की गई है। रविवार की देर शाम सलोनी नाम की बच्ची की मौत चमकी बुखार से हो गई। वह महज 5 साल की थी। मोतिहारी जिले में पकड़ीदयार अनुमंडल के मजूलिया की सलोनी को SKMCS में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इसी के साथ देश और दुनिया की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे MNS News Live। नमस्कार।